नमस्कार मेरा नाम विजय कुमार झाजी है मैं सीना बायोटेक में एक एसओ के पद पर आपके पूर्णिया जिला में कार्यरत हूँ और ये कंपनी लगभग तीन साल से यहाँ पर जो है मक्का पूर्णिया में बिहार में लगवा रही है लग रहा है इसका मक्का और बंधु आपका नाम जानना चाहेंगे हम मेरा नाम संजय कुमार सिंह है जी और मेरा पता है पंचायत चक प्रखंड जलालगढ़ पोस्ट सौठा जिला पूर्णिया अच्छा संजय जी आपने जो ये मक्का लगाया सबसे पहले इस मक्के के बारे में जाना कैसे आपने सर मुझे तो पता नहीं था लेकिन अगले बार हमको एक व्यापारी जो गर्मली का बोला कि एक बार आप गुरु लगा के देखिए अच्छा तो सर हम नजरअंदाज कर दिए अच्छा अच्छा इस बार जो है कि उसी कंपनी से एक लड़का कुणाल कुंदन नाम का है वह मेरे पास आए हमको बहुत रिक्वेस्ट की इस बार आप एक बार लगा के देखिए उनके कहने पर सर हमने ये मक्का को लगाया है अच्छा जब ये मक्का लगाया आपने संजय जी जी तो इसका जो जर्मिनेशन आया पौधा आया तो जी, कैसा आया सर सर अभी तो सर पौधा भी देख रहे हैं कि लगभग जो है कि बिल्कुल सेम टू सेम टू सर दिखाई दे रहा वही मान के चलिए की दो चार परसेंट कहीं हो सकता। था। जी, जी 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 अभी भी सर आप देखिए उसमें लगा हुआ पौधा देख सकते हैं कि एक भी पौधा जो है खाली जगह नहीं है अच्छा संजय जी आपने जब मक्का लगाया जी तो इसका जो पैदा मतलब बढ़वार था इसका जो ग्रोथ था वो कैसा था ठीक था सर बढ़िया था जी एक समान था सर जी अच्छा संजय जी आपने इसमें जो मक्के लगाने में लोग सब फर्टिलाइजर डालते हैं सभी खाद डालते हैं आपने क्या सब डाला सर इस बार तो फर्टिलाइजर का इतना किल्लत था कि हम लोगों को मिला नहीं सर मिक्सचर जो एनपीके जो कह के आता है सर वही हमने इस बार डाला तो डाला तो सर उस मात्रा में भी नहीं दे सके जितना डोज होना चाहिए ये मेरा प्लॉट जो है इसके अंदर में लगभग मान के चलिए कि साठ से सत्तर किलो प्रति बीघा के हिसाब से हम लोग बीघा के साठ सत्तर किलो यानी एकर के हिसाब से लगभग सौ किलो सौ नहीं सर मान सौ से ऊपर कुछ सर वह मिक्सर डाले मिक्सर डाले।, डाले हाँ श्री सर वो, हाँ मिक्सर श्री ओनली मिक्सर एनपीके आपने केवल सौ किलो हाँ एकड़ में डाल दिया जी जी और कुछ नहीं जी कुछ नहीं जहर वगैरह कुछ नहीं सर कुछ नहीं कुछ नहीं मक्के की रुपाई कर दी जी अच्छी बात है उसके बाद फिर आगे क्या किया आपने सर जब मक्का कुछ बड़ा हुआ तो इसमें सर मार दिए मारा जंगल खर पतवार के लिए लौटिस मार दी अच्छा उसके बाद आपने क्या किया सर सर सिंचाई की है अच्छा सिंचाई करने के बाद जो है कि लगभग 40 से 45 दिन का जब पौधा हो गया तो सर उसमें पानी छोड़ दिए पानी डालने के बाद हम जो है उरिया प्रत्येक गाछ में यानी मिट्टी चराने में भी आपने कोई खाद का यूज नहीं, नहीं किया यूरिया सर कितना डाला उसमें यूरिया सर जो है की लगभग दो बोरा एक डाले हैं दो बोरा एकर डाल दिए जी अच्छा उसके बाद ये मक्का आगे फिर धनसिस सर धनशिश जब आया फिर पानी पटा करके जो है उसमें सर यूरिया का टॉप ड्रेसिंग कर दिया कितना दिया सर उरिया उ, उस समय भी जो है लगभग मान के चलिए ना सत्तर से अस्सी किलो एकड़ के हिसाब से दे दिए अच्छा कोई जहर का भी स्प्रे किया था जी सर जहर का स्प्रे किए थे सर अच्छा अच्छा और आप मानते हैं कि इस बार खाद की किल्लत के वजह से काफी सर काफ़ी कि आपने जो इसको जो एक मिलना चाहिए संतोषप्रद खाद कहते हैं डीएपी ए पोटास मतलब सल्फर बोरन उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ जो कॉप का साइज है जो मैं कॉप जो देख रहा हूँ जो भुट्टा मुझे दिख रहा है और एक ऐसा खेत आपका दिख रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मतलब की जो प्रैक्टिस थी वो कम पैसे में भी आपका मक्का बहुत ही अच्छा है सर देखिए एक बार हम मीटिंग में गए थे हमको वहाँ मीटिंग में कहा गया था कि बिजनेस जो खेती जो है एक प्रकार का बिजनेस होता है और यह किसान ही है कि जो कि वह साल में रुपया दुना कर सकता है जो जिस तरह का मेहनत करेगा उस तरह का जो है कि फायदा ले सकता है अभी हम लोग सर यहाँ पर आएंगे मैं जरा सा मॉइस्चर मीटर ले लेता हूँ ये आपका दाना तीस परसेंट हो गया क्योंकि थोड़ा सा दाना में हवा लग गया जी ये सूख गया उससे पहले हम ही लेते थे तो कहने का मतलब है कि ये तीस परसेंट इसका मॉइस्चर है जिसमें से चौदह परसेंट तो व्यापारी लेता ही है। लेता ही है तो लेता ही है तो सोलह परसेंट इसमें आपका अभी नमी है ठीक है सर हम लोग आगे यहाँ पर बात करेंगे अच्छा संजय जी आपने का जो आपका जो मक्का का हम जो देख रहे हैं इसमें जो दाना ये टिप तक है जी ये जो दाना पूरा भराव है ये पूरा भरा भरा है सर क्या आपको क्या लगता है सर खास इसमें यह है की इसका जो दाना जो है कि मुंह तक देख रहे हैं और इसका भुट्टा का मुंह जो है बंद रहता है यह मुंह खुला नहीं रहता जो कि बारिश के वजह से भी इसमें पानी नहीं घुस सकता जिस कहीं आपातकालीन बारिश हो गया तो इसमें सर पानी जाने का कोई संभावना और नहीं ये नहीं एक बहुत अच्छा बात है की इसका मुँह तक पूरा दाना ऊपर तक दाना पूरा भरा पड़ा ये एक बहुत ही अच्छा चीज है संजय जी इसका बलरी है ये आप देख रहे हैं जी जी कैसा लग रहा है सर अपने हाथ में लेंगे कैसा लग रहा है ये बलरी सर ये तो बिल्कुल ठीक है पतला बलरी है और चौरा दाना है सर लंबा दाना है चौरा दाना भी है आँ. बलरी पतरा होने की वजह से जो है दाना इसका ये दाना भी सर इसका दाना का रंग कैसा लग रहा है सर सर रंग तो बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है ना मेरे कहने का मतलब है जो मक्का से आपको आप मक्के से पूरे संतुष्ट हैं जी जी इसका बलरी दाने का रंग सर ये एक चीज और देखते हैं हम लोग कि कॉप का जो साइज है प्लेसमेंट है जी ये आपको सही लग रहा है ठीक है सर ये, ये जो है कि सर इनका भुट्टे का जो हाइट है आ, बिल्कुल सर सही जगह पर है सही जगह पे है ना तो अन्य तो मक्का को देखते हैं सर सर के ऊपर पे भी भुट्टा लगता है तो ये इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसमें कि इसका जो है ये बहुत ही अच्छे जगह पर प्लेसमेंट है अच्छा हम लोग बात करेंगे आप इस कॉप को हाथ में लेंगे सर कैसा सर लग रहा है कॉप वजन है कॉप में वजन तो है सर है ना? सबसे बड़ी बात है कि सर भुट्टा जो है एक समान है एक समान है ना एक समान है जिसमें डबल क्रोस है उसी का जो है छोटा छोटा डबल निकला वो बगल हाँ, से सबड़ है हाँ, और उसमें भी थोड़ा सा आप जो कह रहे हैं खुद की हम उतना फर्टिलाईजर नहीं डाल पाए नहीं तो वो भी भुट्टा पाल लेता हाँ, सही बात है सर, सब पाल लेता तो ये कॉप का वेट भी बहुत अच्छा है तो कहने का मतलब जो हम लोग बोलते है एक समान भुट्टे वो एक समान भुट्टा आपको दिख रहा है आपका ये दूरी कितना चलता है सर सर ये दूरी बाईस इंच का बाईस इंची और पौधा से पौधा आठ इंच आठ इंच हाँ सही बात है ये बाईस आठ का तो फॉर्मूला बहुत अच्छा है सर लेकिन थोड़ा सा मेरे हिसाब से अट्ठाईस हज़ार तीन सौ छत्तीस आपके खेत का ये प्लांट पॉपुलेशन बता रहा है थोड़ा सा लगता है कि इसमें पौधा और होना चाहिए। होना चाहिए, चाहिए। ये मजदूर जो थोड़ा लगभग ये तीस हज़ार होने से और फर्टिलाइजर का देखिए होता क्या ना सिंपल सा बात है यदि आप खेत में आबादी बढ़ाओगे आप आबादी बढ़ाओगे तो साथ में थोड़ा फर्टिलाइजर भी बढ़ना चाहिए आपके जलालगढ़ के या पूर्णिया के और अब सारे किसान को क्या आप एक देना संदेश देना चाहेंगे संजय जी हम तो सर यही कहना चाहते हैं सभी किसान से कि इस बार तो मैंने थोड़ा सा लगा के देखे हैं अगला बार जितना हमारा खेत पर जो भी किसान आए हैं स्वयं देख लिए हैं ज्यादा से ज्यादा जो भी हो इस मक्का को एक बार कम से कम आजमा के देख ले अगले बार इस बार अगले बार जो है एक पैकेट लगावे अच्छा लगेगा तो अगले बार आग बढ़ा सकता है और मतलब आप इस मक्के से पूरा का पूरा संतुष्ट हैं जी सर जी सर संजय जी आपका बहुत बहुत नमस्कार आपने बहुमूल्य समय दिया और ये समझिए कि बहुत अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात है क्या कि आगे आपके से हम लोग यहाँ पर और आगे मक्का का काम बढ़ाना चाहिए जी सर जी प्रणाम